दोस्तों, भारत के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका की कुछ फोटोज निकलकर मीडिया में सामने आई है और ये जो फोटोज वायरल हो रही है इससे हमें एमका लड़ाकू विमान के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है और ये भी पता चल रहा है कि आने वाले समय में एमका में किस तरीके की खूबियां होने वाली है। सबसे पहले जो चीज दिखाई पड़ रही है वो ये है कि एमका में बिल्कुल F-35 लड़ाकू विमान की तरह ही एक फ्रंट ओपनिंग कैनोपी होने वाला है। इसका मुख्य इस्तेमाल क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल के लिए ये जानकारी पक्की हो चुकी है कि इसके अंदर कुछ ऐसी ही कैनोपी होने वाली है जैसी कि F-35 लड़ाकू विमान में मौजूद है। वहीं पर इसके अलावा कुछ और नई जानकारियां निकलकर सामने आई है जिससे पता चलेगा कि भारत का एमका किस तरीके की खूबियों के साथ आएगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वे चीजें क्या हैं। सबसे पहले तो ये बात तो तय हो चुकी है कि एमका के अंदर एक इंटीग्रेटेड बोर्डिंग लैडर होगा जिसे सबसे पहले अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमानों में देखा गया था। उसके बाद यही तकनीक F-35 फाइटर जेट को भी मिली। इंटीग्रेटेड बोर्डिंग लैडर एक विमान को ये क्षमता देता है कि वह ऐसे एयर बेसिस पर भी ऑपरेट हो सकता है जहां पर ज्यादा सपोर्ट मौजूद नहीं होता है। वहीं पर इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत अपने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर भी करना चाहेगा जो कि दुश्मन की सीमा के काफी नजदीक होंगे और ये चीन और पाकिस्तान के लिए काफी बुरी खबर है। इसके अलावा जो फोटोज और वीडियोज इस विमान की निकलकर मीडिया में आई है उनसे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि एमका के अंदर एक लेजर डेजिग्नेटेड पोर्ट लगा होगा जो कि इस विमान के एयर इनटेक पाइलोन के पास होगा। इससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि एमका के शुरुआती स्क्वाडन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम नहीं आने वाला, बल्कि ये तकनीक शायद एमका के मार्क 2 वर्जन में आएगी। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि एमका विमानों के शुरुआती स्क्वाडन में नहीं आएगी, या फिर हो सकता है कि सिर्फ प्रोटोटाइप में ही ये सारी चीजें ना डाली जाए और बाद में इन्हें ऐड कर दिया जाए। वहीं पर इस विमान की फोटोज को देखकर ये भी लगता है कि एमका के प्रोटोटाइप या फिर शुरुआती स्क्वाडन में एक रिट्रेक्टेबल एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब होने वाला है जो कि शायद पूरी तरह से विमान के अंदर ना जाए लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेक्टेबल हो सकता है। हालांकि ये ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में अभी कहना संभव नहीं है। ये काफी महत्वपूर्ण खूबियां हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हवा से हवा में ही विमान के अंदर ईंधन भरने में किया जाता है जिससे युद्ध के दौरान एक विमान की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर अगर एमका विमान के अंदर इस तरीके की खूबियां नहीं होती तो हम लोग एमका का इस्तेमाल ज्यादा ऊंचे क्षेत्रों में युद्ध लड़ने के लिए नहीं कर पाएंगे और ये विमान ज्यादा लंबी दूरी तक भी हमला करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन हमें ये बात समझ कर आगे बढ़ना चाहिए कि अभी जो कुछ भी ये खबरें या अपडेट आई है ये सिर्फ इस फोटोज के आधार पर कही जा रही है, यानी कि ये बात अभी पक्की नहीं हुई है कि एमका के प्रोटोटाइप में कौन कौन सी खूबियां पाई जाएगी और कौन कौन सी नहीं। यहाँ तक कि प्रोटोटाइप में जरूरी नहीं है कि सारी खूबियां दी जाए, कुछ खूबियों को बाद में भी ऐड किया जा सकता है। जो भी हो, आने वाले कुछ सालों में एमका भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली लड़ाकू विमान बनकर सामने आने वाला है और इसके लिए काफी खुफिया तरीके से काम भी चल रहा है। भारत की DRDO समेत अन्य संस्था दिन रात मेहनत करके युद्ध स्तर पर इस पर कार्य कर रहे हैं और जल्दी हमें दिखाई देने वाला है इसकी पहली फ्लाइट भी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत जल्द ही 6 तपस BH-201 UAV की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाला है जिसके बाद इन ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना ट्रायल्स के लिए करेगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या ये ड्रोन भारतीय सेना की सेवा में आने के लिए तैयार है या फिर इनमें कुछ और सुधार की जरूरत है। इस ड्रोन के पिछले ट्रायल्स में इसने 28,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी उड़ान भरने की क्षमता को दर्शाया था, मगर सेना को 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन चाहिए, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो क्षमता इस ड्रोन ने दिखाई वह मांगी जा रही क्षमता से कुछ ज्यादा कम नहीं है और इसे बहुत जल्द ही ठीक किया जा सकता है। इस बार जिन 6 तपस BH-201 ड्रोन्स को बनाया जा रहा है उन्हें सुधार के साथ बनाया जा रहा है और इस ट्रायल के बाद ये तय किया जाएगा कि इसमें और सुधार की जरूरत है या फिर नहीं है। और एक बार ये ड्रोन भारतीय सेना की सेवा में शामिल हो गया, इसके बाद सेवा में रहते हुए इस ड्रोन का और भी ज्यादा विकास किया जा सकता है। हालांकि भारतीय सेना को जो क्षमता चाहिए ये ड्रोन लगभग वह सारी चीजें सेना को दे रहा है, बस कुछ ही कमी है। तो ये गलत नहीं होगा कहना कि अगर भारतीय सेना इसे शुरुआती दौर में ही सेवा में शामिल कर ले और सेवा में रहते हुए ही इस ड्रोन का और ज्यादा विकास किया जाए। ड्रोन का इस्तेमाल और इसके महत्व को हाल ही में हुई घटनाओं से आसानी से समझा जा सकता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम स्वदेशी रक्षा प्रणाली को थोड़ी कमियों के साथ भी स्वीकार करें और बाद में उन्हें और ज्यादा विकसित करें, क्योंकि कोई भी रक्षा प्रणाली शुरुआती दौर में परफेक्ट नहीं होती, बाद में उसे और अच्छा बनाया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी इन दोनों खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।